जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम आज उपस्थित हुए हैं मीन राशि 2022 का राशिफल। मीन राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शनि का गोचर और गुरु का गोचर राहु का क्या चल रहा है। ऐसी कंडीशन में अभी गुरु जो है ना संचार करेंगे, 13 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 जुलाई को बकरी हो जाएंगे और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि 30 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे और जो है 6 जून को बकरी होंगे, 24 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे और राहु 13 अप्रैल से मेष राशि में भ्रमण करेंगे। ऐसे हिसाब से देखें मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक तरीके से हेल्थ की बात करता हूं तो आपका 2021 में जो हेल्थ रहा बहुत दिक्कत रही, ख़राब रहा। अब 2022 में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको पूर्ण रूप से गुरु का हेल्थ में एकदम सपोर्ट मिलेगा। मैं धन की बात करता हूं तो धन आपका अचानक से कोई आपको निर्णय नहीं लेना है, धन आपका कहीं ना कहीं फंस सकता है स्टार्टिंग में अप्रैल के बाद। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको बड़ी सावधानी रखनी है, दोस्तों पर विश्वास नहीं करना है और कुटुंब के प्रति आप जो भी वाणी बोलें प्यार से बोलेंगे तो उनसे आपको उनका बेनिफिट की प्राप्ति दिखाई दे रही है। पराक्रम में आप किसी प्रकार की कमी ना रखें, पराक्रम में पूरा आप सपोर्ट दें, पूरा हेल्प करें, पर मतलब काम चोरी ना करें तो उससे भी आपको सफलता मिलेगी। गाड़ी का आपका योग जो है बन रहा है, 30 अप्रैल के बाद आप गाड़ी भी ले सकते हैं, इसका योग बन रहा है। और मकान की यदि बात करते हैं तो नवंबर के बाद आपका मकान का योग बन रहा है। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं 2022 में मीन राशि वाले, उनके लिए गोल्ड गिफ्ट है क्योंकि जितना कंपटीशन आपने पीछे दिया कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अब 2022 में आप इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी, आप लाभ मिलेगा। मिला जुला कर 2022 आपके लिए मीन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक तरीके से ज्ञान और धन के और कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि लव लाइफ की बात करते हैं, प्रेम प्रसंग में दिया किसी को चाहते उस हिसाब से देखें तो आपका प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बशर्ते जल्दीबाजी से कोई चीज़ अपनी शेयर ना करें, अगले व्यक्ति को पहले समझें परखें तब अपना जवाब दें, उससे आपको लाभ मिलेगा, धोखा नहीं होगा। यदि आपके शत्रु पक्ष की बात करता हूँ, शत्रु आपके आएंगे, रणनीति बनाएंगे, आपको धोखा हो सकता है। शत्रु को पूरा राज अपना ना बताएं, आप को शांत रहें, चुप रहें। विवाह की यदि बात करें तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। विवाह जो आपका होगा वो कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम से विवाह होगा, उससे आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा की बात करते हैं, विदेश यात्रा के संगठन में आपके लिए परिवार के द्वारा कोई ना कोई चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिससे आप धन की प्राप्ति भी होगी, प्लस आपको आगमन आज जाना आना भी आपका शुरू हो सकता है। तीसरा कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, जिसकी वजह से गुरु जब आपके मार्गी होंगे तभी आपको सफलताएँ ज़्यादा मिलेंगी। बकरी होने पर कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं एक नंबर के अनुसार चलेंगी, आपको कैरियर में भी अच्छा सफलता मिलेगी। और शनि आपके 12वां रहेंगे तो ऐसे में आपको यात्राएं बहुत करेंगे, उनका बेनिफिट मिलना आपको जो है 13 अप्रैल के बाद ही मिलेगा, इसलिए आप पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि 13 अप्रैल बाद जब मीन में गुरु आएंगे तब मीन राशि वालों को लगन में विराजमान हो जाएंगे, तब आपका योग बनेगा। जज योग कैसे, गुरु और शनि की मतलब ऐसे में बने, गुरु के बैठने पर सफल व्यापारी भी आप बन सकते हैं और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। दूसरा आपके लिए मैं जनवरी माह के हिसाब से देखते हैं क्या करना। जनवरी माह में आप जो है किसी यात्राओं के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। फरवरी माह में कुछ चीज़ें जो आपने इकट्ठा की थी, सोच रखे थे, अपनी विचारधारा बताने के लिए दूसरों के लिए, वो आप सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे, उसकी सुनवाई होगी। फरवरी में कोई घर में आपका मार्च के महीने में कोई आपका मांगलिक कार्य होगा घर में, जिससे आपको सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। अप्रैल महीने में आप किसी यात्रा में जाएंगे परिवार के साथ और मई के महीने में आप अपने व्यापार को शुरुआत करेंगे नए तरीके से और जून के महीने में आप कोई नया आगमन होगा वाहन का आपके घर में और उसके बाद जो है जुलाई के महीने में आप कोई चीज़ क्रय विक्रय यानी बेच सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आप अपने साथ मिलकर परिवार के साथ मिलकर नई यात्रा जैसे कि कोई धर्म यात्रा में आप जा सकते हैं। सितंबर महीने में अपने व्यापार को आप नया ढंग से शुरू करेंगे। अक्टूबर महीने में आप अपने धन को पुनः जो आपने दिया था वो वापस आएगा और नवंबर में जो है अपने व्यापार के लिए आप नई योजनाओं के साथ आगे बल चढ़ेंगे और दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ एक एक जगह बैठकर आप अपने काम को सारा सावधानी के साथ पूरा टैकल करेंगे।
मीन राशि के लिए ज्योतिष साल के हिसाब से बताना चाहता हूँ, तीसरा नेत्र है, समय का अभाव होता है, जो चीज़ आप बीज बोएंगे उसकी आपको प्राप्ति होगी। आपके जो इष्ट देव होते हैं भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। और मीन राशि के लिए शनि की साढ़े साती भी आएगी, लेकिन उससे पहले आपको शनि के उपाय करने हैं। दूसरा, आपके लिए आपके यदि हेल्थ में दिक्कत रहती है तो आपको जन्म नक्षत्र का दान करना है। महानक्षत्र जन्म जो होता है उसका दान करने से जन्मदिन के समय आपको बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे होगा जब आपका जन्मदिन होगा और जो आपका नक्षत्र है उसका यदि आप दान करते हैं संकल्प सर मंदिर में, तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और पूर्ण आपको अंदर से शांति मिलेगी। देखिए 22 में ऐसी कंडीशन जो रहेंगी गुरु की, आपकी स्थिति मीन में बकरी होना, मार्गी होना, मार्गी में जो है चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, बकरी में व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाते हैं। शनि का जो प्रभाव मैं देख पा रहा हूँ, मकर से कुंभ में जाएंगे, कुंभ राशि आपका 12वां हो जाएगा हिसाब से राशि से, तो आपके 12वें भाव की आपकी यात्राएँ होंगी, उसका बेनिफिट आपको कम मिलेगा। लेकिन बेनिफिट के साथ आप घबराना नहीं है, जो चीज़ें आपको मिलेगी थोड़ा थोड़ा करके मिलेगी, पर लास्ट मोमेंट तक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संतान यदि आपको संतान जिसको नहीं हो संतान के लिए ट्राई करना है तो आप जो है ना 30 अप्रैल के बाद ट्राई करेंगे, आपको संतान होगी उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, जो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो परिवार के लिए पढ़ाई कर लिए बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो है 30 अप्रैल के बाद नौकरी के लिए ट्राई करेंगे, उनको मिलेगा, एक अच्छा सफलता मिलेगा और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उनको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपके लिए कुछ चीज़ें बोलने से पहले यदि आपकी हो जाएं तो आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, यदि कहने पर कोई चीज़ आपका काम को नहीं करता है तो आप गुस्सा आती है। तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें, आपकी राशि के स्वामी गुरु होते हैं। ब्राह्मणों का, संतों का, गऊओं का आपको सदा आशीर्वाद लेना है। 2022 में आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा जाए। 2020 और 21 जैसा गया वो सभी को पता है, अपेक्षा ऐसी है कि 2022 बहुत अच्छा रहे। वैसे नया वर्ष हमारा चैत्र के महीने शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से भी हम चलते हैं तो 2022 आपके लिए बहुत उत्कृष्ट रहे, हमारी शुभकामना है। अपना ध्यान रखें, जय माता दी। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद रामावतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9650925716, 01204108727, ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।